नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर बहराइच से। ब्लॉक बलहा के राजापुर कला में इंटरलॉकिंग में नाबालिग बच्चों से चलवाया जा रहा है हथौड़ा। सचिव अटल बिहारी वही प्रधान भी जानकारी देने से पीछे हटे, मीडिया को धमकाने की कोशिश। आपको बता दें, बहराइच उत्तर प्रदेश बहराइच जिले के ब्लॉक बलहा के राजापुर कला में नाबालिग बच्चों से इंटरलॉकिंग कार्य में कार्य करवाया जा रहा है। वहीं इंटरलॉकिंग कार्य जो हो रहा है वह मानवहीन कार्य हो रहा है। मानवहीन कार्य राजापुर कला में करवाया जा रहा है। वहीं जहां बच्चों की उम्र लिखने और पढ़ने की होती है, वहीं लिखने पढ़ने की बजाय प्रधान द्वारा उनसे इंटरलॉकिंग कार्य में हथौड़ा थमा दिया जाता है और उनसे हथौड़ा चलवाया जा रहा है, जो वहां की तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है और बच्चे हथौड़ा चलाते हुए दिख रहे हैं, जो वीडियो मौजूद है और इंटरनेट मीडियम के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो समाचार पत्र के पास मौजूद है। मीडिया के माध्यम से जब वहां से जो कार्य रहे हैं, लोगों से जानकारी ली और नाबालिग बच्चे की उम्र पूछी। बच्चे ने अपना नाम बताया और अपनी उम्र 14 साल बताई। उन्होंने यह भी बताया कि हम यहाँ यह कार्य कर रहे हैं और उसमें जो ईंट की गिट्टी पड़ रही है वह मानकहीन और पीले ईंट की गिट्टी डाली जा रही है। बहुत ही कम मात्रा में लाल पेटी की ईंट की छिट दिखाई दे रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और समाचार पत्र के पास मौजूद है। इसी मामले पर वहां के सचिव अटल बिहारी से बात की। सचिव ने बताया नहीं और कोई जानकारी और जानकारी देने से पीछे हटे, अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वहीं इस मामले पर प्रधान प्रतिनिधि मनोज कुमार से बात की। मनोज कुमार पहले तो मीडिया को धमकाने की कोशिश की, फिर बताया कि हमें कोई जानकारी नहीं है और जानकारी देने से पीछे हटे। इसी मामले पर एडीओ पंचायत से बात की, जिस पर बताया ठीक है, मामले की जांच करवाते हैं और नाबालिग बच्चे को कार्य करने का कोई आदेश नहीं है। वहीं मामले पर जिले से डीपीआरओ को भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकारी को भेजते हैं। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी के सीओजी नंबर पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मामले को दिखवा रहे हैं, लेकिन जब वहां के कुछ लोगों से बात की, सूत्रों से यह पता चला है कि प्रधान मीडिया पर झूठा आरोप लगा देते हैं और किसी न किसी तरह से फंसाने के लिए जाल रचने लगते हैं, इसलिए यहां का कोई मीडिया आगे नहीं आता है और उनकी खबर नहीं प्रकाशित करता है। यह रवैया शुरू से प्रधान कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व रिकॉर्डिंग ऑडियो वायरल हो चुका है और कई बार खबरें ग्राम पंचायतों की वायरल हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि कोई कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही नाबालिग बच्चे करते रहेंगे कार्य। वही योगी सरकार सही कार्य के लिए पैसा दे रही है, वही ऐसे प्रधान द्वारा उनके पैसों पर फेर रहे हैं पानी। जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी के मामले पर क्या करते हैं आगे कार्रवाई। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से संवाददाता राजकुमार की खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत का नाम है भैया? ग्राम पंचायत का नाम का है गांव के? राजापुर कला। आप भी यहाँ काम करते हो का? क्या नाम है आपके? अर्जुन। अर्जुन, पिताजी का नाम क्या है आपके? ननकौ। प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी का। आप यहाँ पर काम कर रहे हो ना? अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 14 साल। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? कहाँ पर रहते हैं? यही गांव में यहाँ। कितनी उम्र है आपके? 19 साल जी। आपका नाम क्या है? राजेश जी। यही पर काम करते हो? यही गांव रहे वाले हो? ये क्या लग रहा है, इंटरलॉकिंग? ये लड़का, आपका नाम क्या है? आप काम करते हो कहाँ? मतलब काम कर रहे हो आप? अच्छा, बिमलेश नाम है, कहाँ रहने वाले हो? यह गांव के। प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान का नाम है जी। उम्र कितनी है आपकी? 17 साल है। अच्छा,